हेलो दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शो में खजूर का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका वास्तविक नाम कार्तिक है। दोस्तों, इस बच्चे का संघर्ष देखकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और इसकी यह कहानी आपको भी काफ़ी प्रेरणा देने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारी कोई भी अपडेट्स आप मिस ना कर पाएं। दोस्तों, आपको बता दूं कि कार्तिकेय बिहार के रहने वाले हैं, जो कि उम्र में बहुत छोटे हैं और उनके पिताजी मजदूरी का काम करते थे। आलम यह है कि कार्तिकेय को शो में आने से पहले दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, पूरे दिन मजदूरी करके ही दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। कार्तिकेय के पिताजी सिर्फ मजदूरी करके अपने घर का खर्च चला रहे थे और जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। घर में दाल चावल बनने पर कार्तिकेय उसे पार्टी बोलते थे। इतनी गरीबी होने के बावजूद भी कार्तिकेय और उनके भाई बहनों की पढ़ाई लिखाई पर कोई भी कमी नहीं आने दी उनके पिताजी ने। कार्तिकेय अपने भाई बहनों के साथ स्कूल जाया करते थे, लेकिन कार्तिकेय का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। कार्तिकेय पूरे दिन मौज मस्ती में इधर से उधर घूमता रहता, कभी गाने सुनता तो कभी डांस करता, और स्कूल में होने वाले एनुअल फंक्शन में वह भाग लेता था। कार्तिकेय का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। आपको बता दूं कि कार्तिकेय और उसके भाई की एक्टिंग में काफ़ी रुचि थी, इसलिए उन दोनों ने एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया। कार्तिकेय ने लंबे समय तक एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखी, जिसके बाद 2013 में कार्तिकेय का इंडिया के रियलिटी शो बेस्ट ड्रामेबाज में उसका सिलेक्शन हो गया। इस शो में कार्तिकेय का सिलेक्शन होना काफ़ी बड़ी बात थी। कार्तिकेय का सिलेक्शन होने के बाद उनके घर वाले काफ़ी खुश थे। उसके बाद बेस्ट ड्रामेबाज की टीम कार्तिकेय और उसके बाकी साथियों को कोलकाता लेकर आई। वहां पर कार्तिकेय और अन्य बच्चों को बड़े बड़े होटलों में रुकने का मौका दिया गया। ऐसा होटल कार्तिकेय ने कभी भी नहीं देखा था जिसमें AC लगा हो। कार्तिकेय काफ़ी खुश था और होटल में मिलने वाले खाने को वह आधा खाकर आधा छुपा लेता था। बचा हुआ खाना वह घर लाकर अपनी माँ को देता और कार्तिकेय बोलता कि माँ, आपने कभी भी बड़े होटल का खाना नहीं खाया है, लो खाना खा लो, मैं आपके लिए खाना लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको बता दूँ कि अब छठे राउंड में पहुँचने के बाद कपिल शर्मा की नज़र कार्तिकेय पर पड़ी। कपिल शर्मा ने कार्तिकेय को अपने शो में काम करने का ऑफर दिया। कपिल शर्मा के शो में आने के बाद कार्तिकेय को एक अलग पहचान मिल गई, जिसमें उसका नाम खजूर रख दिया गया। और कपिल शर्मा के शो में खजूर की कॉमेडी सभी को इतनी अच्छी लगी कि वह वाह वाह करने लगे। कार्तिकेय आज अपनी इतनी बड़ी उपलब्धि पाकर काफ़ी खुश है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और सोचता है कि क्या वक्त था जब उसके पास दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी और आज उसके पास कितने अच्छे दिन आ चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कार्तिकेय आज मुंबई में रहकर कपिल शर्मा शो में काम कर रहा है और साथ में अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रहा है। दोस्तों, आपको कार्तिकेय की यह कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।